Hello everyone, this is me, Sadhya, here. I'm updated like I'm a core reading jokey for whoever needs it. Topic reading are on logon ke liye jo right now no contact ki situation mein hai aur janna chahte hain ki kya next 48 hours mein aapki aapke person se koi bhi baat cheet ho payegi ha ya na to uske liye reading check kar sakte ho. Is reading mein hum oracle guidance bhi add karenge aapke liye ki right now given situation mein aapko kya karna chahiye. So let's see kya next 48 hours mein आपके आपके पर्सन से बात हो पाएगी हाँ या ना, लेट्स फाइंड आउट. रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं, अपन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई बात हो पाएगी या नहीं. Let's see, we do have two of pentacles, king of cups. मुझे लगता है कि आपका जो person है next 48 hours में कुछ ऐसा उसकी ज़िंदगी में होने वाला है जिसके लिए, जिसकी वजह से वो अपनी life का एक major decision लेने वाला है और उस major decision का हिस्सा आप भी होगे. person या तो कोई शादी के लिए कोई option choose कर रहा है या फिर person अपनी life में कोई ऐसा स्टेप लेने वाला है जो हाँ पर उसको एक एक बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट और ऐसा डिसीजन लेना है जहाँ पर जिसका इम्पैक्ट उसकी पूरी लाइफ पर आएगा. चाहे वो जॉब चेंज करना है, कंट्री चेंज करना है, ट्रैवल अवे करना है, लोकेशन चेंज करना है. मुझे लगता है कि ये डिसीजन आपका पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में लेगा. अब इस डिसीजन को लेकर मुझे लगता है कि फॉर सम रीजंस इसके माइंड में आप आओगे और आपका आना इसके माइंड में इट कैन ऑल्सो सिग्निफाई कि ये पर्सन हो सकता है कि शादी के बारे में लाइक सेट की सोच रहा हो और उसके बाद इसके पास शायद दो ऑप्शंस हो जिसमें ये आपको भी कंसिडर कर रहा है. बट लेट्स सी कि क्या ये और आपकी कोई कम्युनिकेशन हो पाएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में या नहीं. आप में से कुछ लोगों के लिए वाटर साइन हो सकता है आपका पर्सन या आप खुद वाटर साइन हो सकते हो. टॉरस भी हो सकते हो या टॉरस से डील कर रहे हो सकते हो. क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी आपके पर्सन से बातचीत हो पाएगी हाँ या ना. अगर आप लोग एक सिटी एक कंट्री में रहते हो, आप एक दूसरे यू कैन बम्प इनटू ईच अदर, बेसिकली आप मिल सकते हो रैंडमली कहीं पे भी जहाँ पर आपके पर्सन, या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यू बम्प इनटू ईच अदर या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक दूसरे को देख पाओ जिसके बाद ये पर्सन सोचेगा कि उसको आपको अप्रोच करना है कि नहीं करना, आपसे बात करनी है या नहीं करनी है. तो इट कैन बी समथिंग लाइक जहाँ पर यू नो आप अगर एक दूसरे को देखते हो कहीं पर और उसके बाद आपको लगेगा कि यू नो वी हैड अ गुड टाइम और वो चीज़ आपके पर्सन को हो सकता है कि मजबूर करे कि वो आपको अप्रोच करे. बट नेक्स्ट 48 आवर्स में लेट्स सी वन मोर कार्ड, उसके बाद क्लैरिटी एक आएगी. क्योंकि मुझे लगता है कि देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इनडिसाइसिवनेस आपके पर्सन के एंड से, सोचेगा वो कुछ डिसीजन लेने के बारे में बट क्या डिसीजन वो ले पाता है. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन, मुझे लगता है कि जो दूसरा ऑप्शन है आपके अलावा उस चीज को चूज करेगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट यू नो कुछ ऐसा जो कि जो उसके बहुत करीब है उसको नहीं चूज कर रहा है, कुछ ऐसा जो उसको नहीं दिख रहा है. इट्स मोर लाइक द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. इवन दो कि पर्सन आपकी आपको पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं बट जो हो चुका है उसको लेट गो करते हुए मुझे लगता है कि पर्सन जो है आगे बढ़ना चाहता है या आगे यू नो चीज़ों को चूज़ करना चाहता है.
गिवन सिचुएशन में मुझे लगता है कि उसको कोई और अच्छा ऑप्शन या और अच्छा एक यू नो अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल रही है गिवन सिचुएशन में. और मुझे लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू मेक दिस पर्सन फील लाइक कि मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी में. यू नो जैसे जैसे फॉर इंस्टेंस अगर ये ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर कोई यू नो जॉब रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या फिर फैमिली स्टार्ट करने से कोई यू नो एक डिसीजन लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये चाहेंगे कि ये पास्ट के चक्कर में नहीं पड़े. क्यों? क्योंकि जो हो चुका है दे वुड प्रेफर कि इसको लेट गो किया जाए और आगे बढ़ा जाए. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जिस तरह की यू नो लोग इनकी ज़िंदगी में आएंगे उस तरह से वन दे ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन को कुछ खास सक्सेस मिलने वाला है. चाहे ये काम चूज़ कर रहा है चाहे कुछ और चूज़ कर रहा है और आपके बारे में कंसिडर नहीं कर रहा कि आपको रीच आउट करे अप्रोच करे, तो मुझे लगता है कि इसको सक्सेस नहीं मिलेगा. जो ये डिज़ायर करके आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में इसको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी. सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. नेक्स्ट बार ये टावर से मुझे कॉन्टैक्ट लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ पर. इवन दो अगर आप एक दूसरे को मिलते हो एज इन के देखते हो पर्सन सोचेगा लेकिन कॉन्टैक्ट मुझे नहीं लग रहा कि बातचीत करेगा. लेट्स सी. हाँ होल्ड बैक कर रहा है डेविल एंड द लास्ट कार्ड इज सेवन. हाँ मुझे लगता है कि फिलहाल आपके पर्सन के माइंड में है कि इट्स बेटर टू मूव ऑन टू बी वेरी ऑनेस्ट. दिल में उसके आपके लिए फीलिंग्स हैं प्यार है बट उसको जो पास्ट आपका रहा है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है नो कांटेक्ट हुआ है ये इतना ज़्यादा खटकेगा कि इवन दो जब उसको फीलिंग होती है कि इसका और आपके साथ जो कनेक्शन था वो स्ट्रांग था अच्छा था पॉजिटिव था टाइम बहुत अच्छा था स्टिल दे आर चूजिंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू. ठीक हो गया. अब जब ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें इनको सक्सेस नहीं मिल रहा है. इवन दो कि अपनी लाइफ का कोई और डिसीजन भी लेना है चाहे काम से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं देर विल बी लैक ऑफ हैप्पीनेस जो इनकी ज़िंदगी में आएगी. नेक्स्ट वॉट ये टावर्स में कम्युनिकेशन होती नहीं दिख रही है. पर्सन होल्ड बैक करेगा और इसका जो माइंड है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेगा अपनी लाइफ को लेकर अपनी लव लाइफ को लेकर आपको लेकर कनेक्शन को लेकर. सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है आपसे दूर भागना चाहेगा. लव है दिल में लेकिन उससे दूर भागना है ना. इस तरह की सिचुएशन में होना क्या है कि आपका पर्सन जितना ज़्यादा आपको भूलने की कोशिश करेगा या सोचेगा नहीं मुझे तो कोई और मिल जाएगा या मुझे मैं यू नो वाई वाई टू गो बैक टू यस्टरडे बेसिकली. तो मुझे लगता है जितना वो ये सब सोचेगा उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा इसको चीज़ें याद आएंगी. जैसे अगर ये मूव ऑन करने की कोशिश करेगा तो इसके जहन में ऐसी चीज़ें आएंगी दूसरे लोगों को लेकर जहाँ पर ये सोचेगा कि यू नो आप तो ऐसे करते थे आप तो इस तरह से बिहेव करते थे. तो वो चीज़ें कंपैरिजन में जब इसके सामने आएंगी तो वो रियलाइज़ करेगा आपकी बात. तो मुझे लगता है कि 40 नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही है लेकिन ये रियलाइजेशन ज़रूर आने वाली है आपके पर्सन को जहाँ पर जो चीज़ें हैं राइट नाउ करंटली आप दोनों के दरमियान में वहाँ पर सीम्स लाइक कि ये जो पर्सन है आपका ये जितना ये अपने आप को रोकेगा उतना ज़्यादा इसके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो स्ट्रांग होंगी. सो नेक्स्ट फॉर ईयर आवर्स में कम्युनिकेशन तो नहीं दिख रही है लेकिन आने वाले टाइम में अगर मैं कहूँ कि 1 महीना प्रॉब्ली उसमें ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा या आपसे बात करेगा. फिलहाल नहीं फिलहाल ये होल्ड बैक करेगा और उसके बाद 1 महीने के टाइम में डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा. 1 महीने के टाइम में डेफिनेटली रियलाइज़ कर लेगा जो कि जिस सबसे भागना चाह रहा है जिसकी वजह से जितना ये दूर जाएगा भागना उतना ज़्यादा इसको हर चीज़ आपके बारे में याद कराएगी. सो दैट्स हाउ आई सी इट कमिंग. देखते हैं कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी सिचुएशन इस इंसान के साथ बेहतर हो सके. सो डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए आपको क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में. एंजल मैसेज क्या है डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए जिससे आपकी लव लाइफ एग्जैक्टली वैसे हो जाए जैसे आप चाहते हो. सो द मैसेज इज़ यू आर कन्फ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन डू रिसर्च एंड सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. अच्छा डिवाइन वॉन्ट्स यू टू नो देखो आप राइट नाउ गिवन सिचुएशन में खुद भी इनडिसाइसिव हो रहे हो. आपको लगता है कि पता नहीं ये पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है.
आपको राइट नाउ टू हैव दैट इन्फॉर्मेशन कमिंग, आई थिंक ये ऑलरेडी आपके लिए एक साइन है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है. आपको शायद कुछ और लगता हो, आपको लगता होगा कि पर्सन बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, बहुत बहुत उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से शायद वो आपके बारे में सोचते भी नहीं है. लेकिन इन एक्चुअलिटी दिस इज़ द रियलिटी, ठीक हो क्या? अब इस तरह की सिचुएशन में आपका नेगेटिव सोचना बनता नहीं है. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप खुद अपने आप को ये सोचते हो इससे सिनारियो को लेकर कि जैसे यू नो पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं है तो वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में. ऐसा ऐसा नहीं है. यू नीड टू नो कि पर्सन वापस आएगा 1 महीना, लाइक आई सेड अर्लियर. बट अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखना सीखो. यू नो पर्सन क्यों नहीं आएगा? हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने कभी इसे दिल से प्यार नहीं किया, लॉयल रह के प्यार नहीं किया, देन आपके अंदर डाउट हो सकते हैं. लेकिन अगर आपने लॉयल्टी 100% दी है, अपना 100% इस इंसान को दिया है जो आपका रिलेशनशिप था उस टाइम पे, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है इस इंसान को आपके पास वापस आने के लिए. क्यों? क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगा अपनी ज़िंदगी में तो इसको वो रियलाइजेशन होगी, इसके अंदर वो कंपैरिजन आएगा जो शायद राइट नाउ नहीं है. सो कहीं ना कहीं या तो ये कोशिश करेगा टू मूव ऑन फ्रॉम यू, या फिर ये अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेगा. जितना ज़्यादा बढ़ेगा, चाहे अपने काम को भी प्रायोरिटाइज़ करता है या किसी और डिसीजन को, किसी और रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज़ करता है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ इसको रियलाइज़ कराएगी कि आप तो ऐसे करते थे. सो वो जो कंपैरिजन आएगा, तब वो कंपैरिजन के साथ ये लर्न कर सकेगा आपकी इंपॉर्टेंस अपनी ज़िंदगी में. सो लेट्स सी वन मोर कार्ड, लेट्स सी कि और गाइडेंस क्या है आपके लिए. राइट ना, आपका पर्सन, आपके पर्सन को लगता है शायद उसके पास वो चाहे तो आराम से उसकी ज़िंदगी में कोई भी आ सकता है, या फिर वो जब चाहे चीज़ें अपने हाथ में कर सकता है. तो एक बहुत ही एक कंट्रोलिंग एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की इन द गिवन सिचुएशन. बट टाइम के साथ उसको चीज़ें समझ आ जाएंगी. यू आर यूनिक, बी योर सेल्फ, एवरी वन एल्स इज टेकन. सो डिवाइन चाहता है कि आप जैसे हो दिल से वैसे रहो, आप यूनिक हो. और अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर आपको लगता है कि आप में ऐसा क्या है कि जो किसी और में उसको नहीं मिल सकता है, सो अगर आप ऐसा सोचते हो तो देन ये रीडिंग आपकी नहीं है. और अगर आप ऐसा सोचते हो तो इस थॉट को चेंज करो, क्योंकि आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है राइट नाउ कि आपने पर्सन को क्या दिया है कनेक्शन में. और वन यू स्टार्ट लुकिंग एट द होल सिचुएशन, जैसे कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपसे ज़्यादा मिस कर रहा है, और आप प्राउडली आप उससे ज़्यादा डिजर्व करते हो जो पर्सन आपको दे रहा था, तो मुझे लगता है कि ये जो एटीट्यूड होगा आपका, ये जो कॉन्फिडेंस होगा आपका, मुझे लगता है कि ये आपका पर्सन आपसे दूर रह ही नहीं सकेगा. और ये जो अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, आपको श्योरिटी होगी कि ये पर्सन तो खुद आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि आप जितना प्यार इसे कोई और नहीं कर सकता, और आप जितनी वैल्यू इसको कोई और नहीं दे सकता. जब ये बाहर निकलेगा, अभी तो वो एक एक आपने जिस तरह से उसको पैम्पर किया है रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि वैसे सारी दुनिया को देख रहा है कि हाँ मुझे तो कोई भी मिल जाएगा. जब वो बाहर जाएगा अपने अपनी लाइफ में इस तरह से जहाँ जैसे आपने उसको ट्रीट किया था, उस तरह का प्यार ढूंढने जाएगा, उसको नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ गोइंग टू मेक दिस पर्सन कम बैक टू यू. और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया, तो मुझे लगता है कि देन ये आपकी एनर्जी नहीं है. लेकिन अगर आपका प्यार लॉयल था इस इंसान के लिए और आपको 100% यकीन है, कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, तो ये पर्सन आपके बारे में ऐसा ही सोचेगा और ये आपके पास वापस आएगा. सो अगेन ट्राई करो कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहो, और नो दैट कि आप जैसा कोई और नहीं हो सकता इस इंसान की ज़िंदगी में कभी भी. और अगर आपको ये यकीन है ना, लाइक मेरे कहने से पहले भी, तो मुझे लगता है देन यू आर गोइंग टू रिसीव द कम्युनिकेशन इस इंसान की तरफ से. लेकिन यस, इसको थोड़ा भी टाइम और लगेगा, क्योंकि पर्सन थोड़ा सोचेगा पहले कि चीज़ों को रहने देता हूँ मैं, चीज़ें जैसी हुई जैसा हो चुका है, लेट इट बी. इसमें चीज़ें सुधर नहीं सकती हैं, बेटर नहीं हो सकती हैं. मतलब इसको आपने स्पेस देना है, इस इंसान को. जितना ज़्यादा आप स्पेस दोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान होंगी और आपका कनेक्शन
आगे बढ़ेगा। जितना ज़्यादा ऑब्सेसिव होकर सोचोगे और आपको लगेगा कि पता नहीं आपने ही पीछा करना है इसका, मुझे लगता है कि चीज़ें आप खुद अपने लिए ख़राब करोगे। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, आपके पास पर्सन नहीं आएगा। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो आफ्टर चेकिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आपको प्राइसेस बताऊँ और आपका भी डैमेज नहीं हो और मेरा भी। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।